नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस की, यानी वो समस्या जहाँ पे मुंह खोलने में तकलीफ होती है। ये अमूमन हमें गुटखा खाने वाले लोगों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है। बहुत ही विकट परिस्थिति है, छोटे से छोटे लड़कों के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि यंग लड़के भी इस समस्या के आदि हो चुके हैं, गुटखे के आदि हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं विस्तार से कि क्या होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसके कारण क्या है और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनकी मदद से हम इससे आराम पा सकते हैं। दोस्तों सब म्यूकस फाइब्रोसिस को सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस कहके भी बुलाते हैं, SMF करके भी बुलाते हैं, और बहुत ही डेंजर सी स्थिति होती है, क्योंकि ये कैंसर के पहले की स्थिति होती है। अगर यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, उस व्यक्ति ने खुद की सेहत की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया, तो आगे चल के उसको कैंसर होने की संभावना होती है। तो बहुत ही खतरनाक सी परिस्थिति होती है, इसके तरफ पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और इसके अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं 4-6 महीने तक, तो आपको होम्योपैथिक दवाओं से इससे आराम भी होता हुआ देखने को मिलता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर मुंह खोलने में पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मेन कारण है सुपारी बहुत ज्यादा खाना, गुटखा खाना। गुटखा खाने की आदत हमें बहुत ज्यादा हमारे समाज के अंदर फैलती हुई देखने को मिल रही है। गुटखा खाने की वजह से ये तकलीफ बहुत ही जल्दी हो जाती है। सुपारी खाने से तो ये तकलीफ होती है, लेकिन उसको होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन गुटखा खाने वाले व्यक्तियों के अंदर ये समस्या बहुत ही जल्दी हो जाती है। क्यों होती है ये समस्या, ये भी समझ लेते हैं। होता यह है कि जब भी हमारे शरीर में इंजरी होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स रिलीज होते हैं, और फिर वो फाइबर्स जुड़ के स्कार फॉर्म करते हैं। यही कुछ हमारे मुंह के अंदर भी होता है। जब भी हम सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो हमारी सब म्यूकोसल लाइनिंग को, ये जो अंदर की त्वचा है उसको डैमेज करती है, तब वहां पे जख्म हो जाती है। जख्म होने के बाद में उसके ऊपर फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस होने के बाद में वहां पे हीलिंग होती है। तो कई बार फाइब्रोसिस में जो हेल्दी टिश्यूज होती है आसपास की, वो भी जकड़े जाती है, और इसी वजह से मुंह खोलने के अंदर हमें तकलीफ देखने को मिलती है। ये जो तकलीफ होती है, ये अमूमन हमें पीछे से आगे की तरफ होते हुए देखने को मिलती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मुंह है, तो ये जो खोलने की प्रक्रिया है, पीछे से आगे की तरफ ये लेयर बनते जाती है, तो धीरे धीरे करके मुंह खोलने के जो प्रमाण है वो कम होते, और धीरे धीरे करके मुंह खोलने का जो प्रमाण है वो कम कम होते जाता है। इस तरह से मुंह खुलने का प्रमाण कम होता चले जाता है। सीवियर केसेस के अंदर तो हमें आधी उंगली भी मुंह के अंदर जाती हुई नहीं देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों समय रहते संभलना बहुत जरूरी है। अगर आपको गुटखे की या सुपारी खाने की बहुत ज्यादा आदत है, तो ये इन आदतों को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयों का असर हमें तभी देखने को मिलता है जब हम इन आदतों को छोड़ देते हैं। गुटखा भी खा रहा हो, होम्योपैथिक दवाई भी ले रहा हो, फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो ये तो होना ही है। आपको ये आदतें छोड़नी है। आपको अगर आपके शरीर से प्यार है, आपको अपने आप से प्यार है, तो आपको इन आदतों को छोड़ देना ही अच्छा रहता है। तो प्लीज 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 इन आदतों को छोड़ दीजिए। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, और चाहे कोई भी कितना कहे कि बोलो जुबा केसरी, हमें केसरी जुबा भूलनी नहीं है। हमें इन आदतों को छोड़ना है और हमें हमारी लाइफस्टाइल सुधारना है। अगर इस स्टेज पे नहीं सुधरे, तो ये एक स्टेज है जहाँ पे भगवान हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि संभल जाओ, देर होने से पहले संभल जाओ और अपनी जिंदगी संवार लो। अगर यहाँ पे नहीं सुधरे और यही आदतें कंटिन्यू रही, तो आगे चल के आपको कैंसर होने की संभावना होती है, और कैंसर अगर हो गया तो आपको कुछ ना कुछ उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली होती है। तो समझ में आ गया होगा तो किस तरह होती है और किस तरह से आगे की तरफ हमें फैलती हुई देखने को मिलती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी आदतों को हमें छोड़ना चाहिए अगर हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी में वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। एक दवा है जिसके कुल्ले करने से हमें सब म्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर काफ़ी आराम देखने को मिलता है, वो दवा है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम का एक मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उस पर भी जाके उस दवा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी पा सकते हैं। ऑसिमम सैंक्टम ये मदर टिंचर के फॉर्म में हमें लेना है। ऑसिमम सैंक्टम क्यों,
ये आपको कोई भी कंपनी का मदर टिंचर सील पैक बॉटल आपके होम्योपैथिक फार्मेसी से, होम्योपैथिक शॉप से लाना है। उस बॉटल में की 30 से 40 बूंदे हमें पानी के अंदर डालना है। 40 बूंदे एक कप पानी के अंदर डाल के दिन में 4 बार इसके कुल्ले हमें करना है, गरारे हमें करना है। 4 बार हमें 2-2 घूंट ये पानी लेके इसके गरारे करना है, सुबह दोपहर शाम रात, ये चारों टाइम हमें इसके गरारे सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस के अंदर करना है। तो ये करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो केसेस है उनके अंदर हमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है। थोड़े से जो टिश्यूज है फाइब्रोसिस जो हुआ है उसके अंदर हमें थोड़ी सी लचकता बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ये तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको लेना है दवा। तो कुछ 2-3 होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहली दवा जिसके मेरे को सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिले हैं वो है लैकेसिस। लैकेसिस 30 एक बहुत ही अच्छी दवा है, इसके ऊपर भी एक मेरा शायद लाइव क्लिनिक हो चुका है। ये दवा सुरुकुकू स्नेक पॉइजन से बनती है और जो भी बैंड जैसी कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है वहाँ पे ये काम करती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो फाइब्रोसिस हो रहा है, बैंड हो रहा है, उसे भी डिजोल्व करने की ताकत इस दवा में है। एक पेशेंट था जिसे ये समस्या थी, बहुत सीवियर थी, उसे 1.25 साल तक के मैंने लैकेसिस दिया था तो उसे काफ़ी आराम हुआ था। जो मुंह 25% तक खुलता था वो 75% तक के ओपन होना शुरू हो गया था। तो बहुत अच्छी दवा है लैकेसिस 30, इस प्रोटीन से मिलना है। लैकेसिस के अंदर अगर हम अंदर से देखेंगे सबम्यूकोसल लाइनिंग को, मुंह खोल के अंदर की लाइनिंग, अंदर की त्वचा को अगर देखेंगे तो हमें नीला सा शेड वहाँ देखने को मिलता है। लिचन प्लानस नामक एक स्किन के कंडीशन होती है, वहाँ पे भी इस दवा के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बहरहाल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस में जहाँ पे हमें एकदम नीला सा टिंट अगर देखने को मिल रहा है अंदर, तो हमें लैकेसिस देना है। लैकेसिस 30 इस दवा की 4-4 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली पेशेंट को देना है। 4-5 महीने तक के कंटिन्यूसली ये दवा देने के बाद में पेशेंट को सब म्यूकोस फाइब्रोसिस के अंदर आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी दूसरी दवा है एपिस मेलिफिका। सेम कंडीशन के अंदर एपिस मेलिफिका तब काम करेंगी जब अंदर हमें जलन सी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जब हम मुंह खोल के पेशेंट को देखते हैं तो जो लेयर होती है, जो त्वचा अंदर की सख्त हो चुकी होती है, जाड़ी हो चुकी है, वो हमें शाइनी देखने को मिलती है। अगर चमक रही है अंदर से वो जो लेयर है वो अगर चमक रही है तो हमें एपिस मेलिफिका ये दवा देना है। एपिस मेलिफिका ये हमें 30 पोटेंसियम में 4-4 बूंद देना है और ये 2 ही दवाइयाँ है जो हमें सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ज़्यादातर काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कभी कभी सबम्यूकस फाइब्रोसिस के साथ में अगर जख्म हो गई है, बहुत ज़्यादा जलन है, तो कैंथेरिस 30 नामक दवा भी हम दे सकते हैं। 4-4 बूंद कैंथेरिस तभी तक देना है जब तक कि वो जख्म ना सूख जाए, वो जो जलन की सेंसेशन है वो थोड़ी कम ना हो जाए। जख्म सूखने के बाद में हम एपिस पे पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूसली एपिस दे सकते हैं। तो ये दवाइयाँ हैं जिन जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस पे बहुत अच्छा काम करती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दवाइयों के सेवन आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको आराम आता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। जिन लोगों को ये तकलीफ है उन लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए और ये जानकारी पहुँचाने का सही तरीका है कि मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आपके फेसबुक पे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन दवाइयों की जानकारी आपको पहुँचाना है। तो आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी दी वो आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।